तो कैसे हो आप सब? आई होप सब भले चंगे अच्छे हो और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको एसिड बेसिस के बारे में बताया है और आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको इंडिकेटर्स के बारे में पता चलेगा। इंडिकेटर्स आप जानते हो क्या करते हैं, ये हमें किसी सब्सटेंस की केमिकल नेचर के बारे में बताते हैं, जैसे कि वो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, क्या है। तो इस वीडियो में हम डिटेल इन डेप्थ नॉलेज लेंगे इंडिकेटर्स के, इंडिकेटर्स का। तो क्या ज़रूरी है, आप एक पेन और पेपर लेके बैठो और साथ ही साथ नोट करते रहो और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक पूरा देखो। तो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ इंडिकेटर्स। तो भाई ये इंडिकेटर्स क्या है? दीज आर, अगर आपको पूछा जाए भाई डिफाइन करो, क्या कहोगे? दीज आर वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट, क्या विच रादर विच चेंज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द पीएच, अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये इंडिकेटर्स को अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलोगे? इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच चेंज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विच चेंज द कलर, या आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो विच चेंज द कलर इन अकॉर्डेंस, हम मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इन अकॉर्डेंस, क्योंकि दो दो बार सॉल्यूशन वर्ड आ जा रहा है तो वी मस्ट चेंज दिस, इन अकॉर्डेंस विद द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको एक नया टर्म मिला है दैट इज पीएच। तो इसके ऊपर भी भाई एक वीडियो बनेगा, तो फिलहाल हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, आज हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वही बेटर है, हम उसी पे स्टिक करते रहे। खाली यही नहीं, द इज इन द इंडिकेटर्स, ये जो इंडिकेटर होते हैं डिसोसिएट वेरी स्लाइटली, बहुत कम ही ये डिसोसिएट करते हैं, वेरी स्लाइटली इन सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसिंग आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। तो भाई आपने तो अभी तक बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में, बेसिकली आप लिटमस के बारे में तो जानते ही होंगे क्या है। तो लिटमस भी एक इंडिकेटर है और ये क्या है, एक वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमें कलर चेंज के थ्रू बता देता है कि भाई वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, क्या है। पर ये बताता कैसे है? ये बताता है सॉल्यूशन के पीएच के अनुसार, पीएच कम है ज़्यादा है उस हिसाब से। और ये जो इंडिकेटर्स, क्योंकि ये ऑर्गेनिक हम अब जानते हैं ये वीक होंगे, तो ये क्या करेंगे इंडिकेटर्स, ये सॉल्यूशन में स्लाइटली डिसोसिएट करेंगे और आयंस और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो ये तो था इंडिकेटर्स का डेफिनेशन। तो चलो अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या है उसके तरफ। Uh,
पीएच रादर इंडिकेटर्स पीएच पे बेस्ड होता है, इसलिए मैंने पीएच बोला है, ये नया टर्म है आपके लिए। लेकिन उससे पहले ये जो पीएच के टाइप्स है ये चार टाइप्स के हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, थर्ड है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और फोर्थ है ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और इन इंडिकेटर्स का बहुत ही यूटिलिटी है हमारे लाइफ में। कौन कौन से है भाई, देखो यूटिलिटी ऑफ इंडिकेटर्स। पहला एग्रीकल्चर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री, स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन विलेजेस, और विलेजेस में खेती बाड़ी, विलेजेस जो है खेती बाड़ी पे ही बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर, जहाँ एग्रीकल्चर खेती बाड़ी होती है, उस सॉइल की अगर हमें पीएच पहले से ही पता हो कर ले तो क्या होगा, हम उस हिसाब से क्रॉप्स उगा सकते हैं। बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनको एसिडिक सॉइल में, जो एसिडिक सॉइल में अच्छा से ग्रो करते हैं, तो उनके लिए एसिडिक सॉइल ज़रूरी है और उस हिसाब से हम सॉइल को केमिकल्स डाल के एसिडिक बना सकते हैं। वैसे ही किसी को बेसिक सॉइल पसंद है तो यहाँ पे इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है। पीएच पेपर यहाँ पे हम जानेंगे, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक पीएच पेपर जो है वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, तो उससे हम एग्रीकल्चर का में मदद ले सकते हैं। सेकेंड डेयरीज, डेयरी अब जानते हो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो अगर मिल्क, अब जानते ही हो गर्मी के दिनों में मिल्क सार हो जाता है, क्यों हो जाता है भाई, बिकॉज द पीएच बिकम्स लेस देन 7, दैट इज 6.6 एसिडिक, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, सो बिकॉज ऑफ दैट, तो पीएच पेपर से या पीएच मीटर से हम मिल्क की पीएच को पता कर सकते हैं और ये कोशिश कर सकते हैं कि वो सार ना हो। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी बायोकेमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं वो सारे पीएच पे बेस्ड है, पीएच कंट्रोल करके सारे रिएक्शन कराए जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडिसिन पीएच ऑफ यूरिन, पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड में ब्लड का पीएच भी एक, ब्लड का भी एक पीएच होता है, वो मेंटेन होना ज़रूरी है नॉर्मल, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। वैसे ही यूरिन, अगर कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में तो डॉक्टर यूरिन टेस्ट कराने बोलते हैं, उनसे ये पता करते हैं कि भाई क्या है पीएच, यूरिन की पीएच, और उस हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इंडिकेटर्स आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल। So that's what you have learned today in this video. So that's all. Go through it. And in the next video, we will learn about the various various types of indicators.